अय्यप्पा स्वामी मंदिर वराळदेवी रोड या मंदिराचा 12वा वर्धापन दिन नगरसेवक संतोषजी शेट्टी राजेशजी शेट्टी यांच्या मार्गदर्शनाने अय्यप्पा स्वामींना भिवंडीतील कोरोना व्हायरस नष्ट व्हावा म्हणून साकडे घालण्यात आले. पंडितांकडून विधिवत पूजा करण्यात आली. महाप्रसाद देण्यात आला. यावेळी भाविकांची दर्शनाला गर्दी केली होती. भोगानुग्रहहेत्वर्थं स्त्रीफसुखाय न सान्निध्यं च तथा देव प्रत्यहं परिवर्धय मा भूल्प्रजा विरोधोऽस्मि यजमानः समर्थ्यतां स भूपालं तथा राष्ट्रं सर्वोपद्रवो अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जगदीश्वर आयुर्देहि धनं देहि विश्वा विद्यां देहि महेश्वर समस्तं गृहं देहि देहि मे जगदीश्वर प्रार्थना. मंदिर का स्थापना 12 साल पहले और हर साल यही तारीख को हमारा वार्षिक कार्यक्रम रहता है जिसमें एक दिन पहले हमारे यहाँ बहुत बड़ा पार्किंग है जिसमें हज़ारों लोग रहते हैं. आज का जो मॉल रहता है उसमें 8 से 9 हज़ार लोग खाना खाते हैं. लेकिन ये बार पूजा तो हमने किया जहाँ 8-9 हज़ार लोग आते वहाँ पे हमने आज खाली जो मंडल के हमारे जितने जो सदस्य हैं उनकी फैमिली में हम लोग 100-200 लोग हैं और हम लोग ने उसमें और एक ऐड पूजा ऐसा किया बार कि भिवंडी महाराष्ट्र का भारत ही नहीं पूरे दुनिया में जो कोरोना का जो भयंकर बीमारी फैली है जो पूरे दुनिया इस पर लपेट में आई है अर्थव्यवस्था की पूरी हालत ख़राब है तो इससे सबसे उभरने के लिए आज हमने पूजा रखा था जो हमारे केरला से बहुत बड़े तांत्रिक है जो हर साल वहाँ से आते हैं और इस मंदिर का व्यवस्था ऐसा रहता है कि इसकी पूजा ही बहुत कड़क से हमको करना पड़ता है. यहाँ का हालांकि पानी भी बाहर का इस मंदिर में ज़्यादा नहीं अंदर ही कुआ बना है तो जो केरला से तांत्रिक आते हैं वो गए 2 दिन से वहाँ पूजलता है. आज उनके मार्फत हमने वो पूजा करा है कोरोना से जिससे पूरी जो दुख की जो अहंकार पूरी दुनिया में चल रही है हर चीज़ में पढ़ाइयों में धंधे में हर चीज़ पूरा तालमेल बिगड़ गया दुनिया का तो पूजा रख के हमने कोशिश की और हमको पूरा यकीन है हम जो अय्यप्पा स्वामी जो हम लोग पूजा करते हैं यहाँ का खूबी है अभी तक का जो भी मांगा है उसका पूरा ही किया उन्होंने इतने अच्छे श्रद्धा से करती. ये जो कोरोना के बारे में आज जो पूजा रखा था और मुझे पूरा विश्वास है हमारे भगवान के ऊपर और इस तो तांत्रिक जो पूजा करते हैं कि ये बीमारी बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगी पूरी दुनिया से. मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो लोग सच समझ गए होंगे मतलब इसको भी अगर बोल रहे साजिश है तो आपके माध्यम से आप उनको जवाब दे दो कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है मतलब इसमें भी उनको नहीं छोड़ रहे. ये जो बीमारी कोरोना जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ बुक्स में
हमको कुछ लेटर आते हैं डॉक्टर से, तो भिवंडी ही नहीं, भिवंडी का जो इंडिया का जो टेम्परेचर है, जो महाराष्ट्र हो गया गोवा इस साइड, ये 25 से ऊपर है। और ये जो कोरोना बीमारी जो है, वायरस है, ये 26 तक टिकती नहीं, तो सबसे ज़्यादा अपने यहाँ टिकेगी नहीं। लेकिन हमको प्रिकॉशन लेना है। प्रिकॉशन क्या करना है, अभी बहुत में मास्क का ब्लैक नहीं चल रहे, वो कौन सा सैनिटरी दवा का ब्लैक नहीं चल रहे, ऐसे कुछ जाओ मत, अपना डेटोल से हाथ धो, अपना रुमाल ढको, और ज़्यादा कोशिश करो क्या पब्लिक में नहीं जाना, खाली यही सब ध्यान देना है, बाकी कोई डरने की बात ही नहीं। डरा डरा कि कोई ब्लाउज बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है, कोई जान, जो रूटीन जो है, दांत घसना, सुबह से अच्छे से नहाना गर्म पानी से, और हल्दी तो अपने हर घर में रहता है, हल्दी गर्म पानी में पी लेना, ये सब उसके छोटा सिंटेन है। उसको कुछ माफिया हर धंधे में रहते हैं, तो ये धंधे कुछ मेडिकल लाइन के लोग उसको बहुत अफवाह कर रहे हैं, और अफवाह से क्या करें, इसलिए खाली क्या ध्यान देना है, हमको सबको साफ रहना है, हाथ धोना है, दो तीन चीज़ें, और इसमें कोई आज जो आज भिवंडी का डिग्री 25 डिग्री है, तो मुझे लगता है ये टिकेगा, मतलब जो साइंस बोलती है वो सारे टिकना नहीं चाहिए था। लेकिन डरना नहीं, कितना भी कुछ संकट आए उसको हमारे देश के सरकार है, स्टेट में हो, महाराष्ट्र में, और यहाँ के डॉक्टर और यहाँ के अच्छे बुद्धिजीवी सब सक्षम है लड़ने के। तो मोने पर डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है लास्ट में क्या बोलता है, 1% भगवान का, तो सत्ता जितनी खत्म हो गई, सत्ता कम हो रहा है इसलिए बीमारी फैल रही है। तो सत्ता जो है रहना चाहिए, श्रद्धा से ही दुनिया काम है। जब डॉक्टर ऑपरेशन करने का बोलता है 1% भगवान के हाथ में, मतलब श्रद्धा है ना, तो श्रद्धा कायम रहना चाहिए। इसलिए श्रद्धा कम हो रहा था, उसको हर मंदिर के माध्यम से, मस्जिद के माध्यम से, चर्च के माध्यम से, गुरुद्वार के माध्यम से, बुद्ध विहार के माध्यम से श्रद्धा बढ़ना चाहिए, ताकि ऐसा जब भी संकट आती है कोई श्रद्धा बचाएगा। मेडिकल जो हमारे परिसर में, वहाँ पर हम लोग डेटोल का व्यवस्था, कुछ एनजीओ है जो हम जुड़े, कुछ उन लोगों ने बहुत से कुछ सामान ला के दिए, आपके माध्यम जहाँ से रहेगा बोलो, उनको हर व्यवस्था देगी, जो भी कुछ है। तो भाषे में तरक्की भी है ना, तरक्की भी है, इसका जवाब आपको देना है। नोटबंदी का मतलब मैयत ने भी राजस्व करना कहाँ तक सही है, अब आप बताओ।